सोलन में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा ने शिमला संसदीय क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। सोलन में विकास के कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। जिन योजनाओं का पैसा कांग्रेस कार्यकाल में दिया जा चुका है वे कार्य भी भाजपा पूरे नहीं कर पा रही है और सभी विकास कार्य अधर में लटके हैं। कांग्रेस सोलन जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि भाजपा सोलन नगर परिषद में कोई स्थायी कार्यकारी अधिकारी नहीं है, अस्पताल में चिकित्सक नहीं है, फोर लेन प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। यहां तक कि सोलन जो मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता था, जहां आसपास किसान मशरूम की खेती कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, वहां भाजपा सरकार ने आते ही सोलन से केंद्र सरकार का कई दशकों से चल रहा खाद यूनिट यहां मंडी को शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मशरूम उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो सोलन वासियों के साथ धोखा है। और इस पर भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं। हमारा मुख्यालय यहां पर नगर परिषद में पिछले 1.5 साल से नौटंकी चल रही है। ना कोई यो यहां रहना चाहता है, ना यहां का कोई स्टाफ रहना चाहता है, और पूरे रूप से नगर परिषद का जो विकास कार्य है वो ठप हो गया है। कल तक वो लोग जो सड़कों पर घड़े तोड़ने आते थे, सर पे खाली घड़े लाकर यहाँ तोड़ा करते थे कि पानी नहीं है, पानी का टैंक जो है वो बिना छत के अभी तक पड़ा हुआ है, जबकि उसके लिए बजट का प्रावधान कांग्रेस कार्यकाल में ही हो गया था। हॉस्पिटल को लेकर जो धरने और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज कहाँ हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ का सोलन जो है वो मशरूम सिटी के नाम से मशहूर था, आज वो मशरूम सिटी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। माननीय जो मंत्री हैं विभाग के, वो यहाँ से पूरे का पूरा UNDP द्वारा जो यहाँ प्रोजेक्ट लगा था 1971 से जो चल रहा था, खुम की खाद बनाने का जो यूनिट था वो यहाँ से ले जाकर अपने क्षेत्र में उन्होंने लगा दिया। यहाँ के जो यहाँ रजिस्टर्ड जो हमारे 2200 के करीब जो मशरूम ग्रोवर्स थे वो सब के सब सड़क पे आ गए, बेचारों के पास रोजगार का कोई मौका नहीं रहा। लेकिन किसी भी भाजपा के नेता ने, इन यहाँ जो हमारे मंत्री जी हैं, यहाँ और भी बड़े बड़े इनके जो नेता है, किसी ने भी इस बारे में आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। मैं समझता हूँ अब मौका है लोकसभा चुनाव में इस बात का, लोग जो इसका जवाब देंगे और इनको इस्तीफा जो है वो इनकी जो असली इनका जो रूप है वो लोगों के बीच आ जाएगा।